अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। एक बुज़ुर्ग इस दुनिया से पर्दा फरमा गए, उनके लिए दुआ की महफिल है चेहलम की सूरत में, कब्रिस्तान के इहाते में। और आप फरमा रहे हैं कि माई साहिबा भी उसमें आएँ। वो क्यों आएँ जी? ख्वातीन घर में रहें, जब जुमा पढ़ने की इजाज़त नहीं है, ईद पढ़ने की इजाज़त नहीं है, तो इद्दत की कैफियत भी है और उनके आने की इजाज़त कैसे दी जाए। वो घर में तशरीफ़ रखें, विर्द औराद करें, अपनी इद्दत को गुजारें। हाँ, वैसे ये ज़रूर है कि कुछ देर के लिए घर से बाहर जाना, जैसे दवाई लेनी हो, कोई और मौजूद नहीं, सौदा सल्फ लेना हो या मुलाजमत पेशा है, अगर बैठी रही तो फिर घर का किराया नहीं दे सकेगी। इन सूरतों में औरत का बाहर जाना और रात को लाजमी घर में वापस आ जाना, ये कैफियत तो है। लेकिन महफिल में जाने के लिए अगर ये महफिल में माई साहिबा तशरीफ़ ना ले जाएं तो कौन सी शरीकबात आएगी? और महफिल में वो पर्दादार खातून जाएंगी तो क्या करेंगी? फिर जिसमें मजमा होगा, 200, 500, 1000 लोग मौजूद होंगे, उसमें खातून का तशरीफ़ ले जाना ये मुनासिब नहीं है। एहतियात फरमाइए, उन्हें विर्द औराद बताइए और फिर उनसे दुआएं लीजिए। अस्सलाम।